अगर आप क्रिकेट और भारत से प्यार करते हैं तो आप सही जगह आए। जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज की खबर शुरू करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ईशान किशन को वापस लौटने के लिए फोन किया था, लेकिन ईशान किशन ने वापसी से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए मैं रेडी नहीं हूं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने हाल ही में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करते हुए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बाहर का रास्ता दिखाया है। इसके बाद से सभी फैंस के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर पिछले कुछ महीनों से ईशान किशन के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनसे अब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ही छीन लिया गया है। इसी मामले में बड़ी रिपोर्ट अब सामने आई है, लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना। दोस्तों, दरअसल साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले घर लौटने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भी कॉल किया गया था। खबर के अनुसार माना जा रहा है कि टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने ईशान किशन को इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के बीच कॉल किया था, लेकिन ईशान किशन ने कहा कि वह अभी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान ईशान किशन को लेकर कहा था कि उन्होंने अभी तक खुद को उपलब्ध नहीं बताया है। अब उन्हें वापसी करने हैं तो घरेलू क्रिकेट में खेलकर खुद को योग्य भी साबित करना होगा। हालांकि ईशान किशन घर वापस लौटने के बाद IPL 2024 सीजन के लिए मुंबई इंडियंस के चुने गए नए कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ बड़ोदरा में ट्रेनिंग करते हुए नजर आए थे, जबकि उन्होंने इस दौरान झारखंड की टीम से रणजी ट्रॉफी का घरेलू सीजन खेलना भी मुनासिब नहीं समझा। अब इस तरह साउथ अफ्रीका दौरे से शुरू हुई ईशान किशन को लेकर उथल पुथल अभी तक शांत नहीं हुई थी कि BCCI ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। माना जा रहा है कि लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना करने के चलते ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब ईशान किशन 22 मार्च से शुरू होने वाले IPL 2024 सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए मैदान में खेलते आपको नजर आएंगे। कमेंट्स में हमें बता दें कि आपके हिसाब से ईशान किशन ने टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए क्यों मना किया। क्या BCCI के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।